गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लास्ट सेशन है प्रजा मंडल्स का, जो हम वन लाइनर्स में डील कर रहे हैं। और आई होप कि आपको प्रजा मंडल्स क्लियर हो गए होंगे। जिन्होंने नया जो नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और आने वाले फर्दर अपडेट्स के लिए जो है आप चैनल पर बने रहिए। और बहुत जल्दी मैं कुछ नई नई अपकमिंग्स शुरू कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ आपसे जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना हो सकता है शेयर जरूर करना, लाइक और रिकमेंड कीजिए। तो आज हिमाचल जीके का सेशन है, यहाँ पे प्रजा मंडल्स ख़त्म। तो जो थोड़ा बहुत इसका छोटा सा सेक्शन है, अब हम आने वाले टाइम पे इससे रिलेटेड ज्योग्राफी को कवर करने जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी में जितने भी माउंटेन रेंजेस, जितने भी इसके टेंपल्स, रिवर्स, जो भी हमने पहले भी पढ़ा है, उसको एक बार फिर से यहाँ पे जो है मैं डील करने जाऊँगी। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं आपके, अपकमिंग एग्ज़ाम्स, उसके लिए सेशंस जो है ये आप देख सकते हैं। देखिए, हिमाचल जी के जो है वो कैरी करती है सबसे ज़्यादा वेटेज आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो आपने देखा होगा SSC में कितनी बार क्वेश्चंस को रिपीट किया। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, और शेयर जो है वो ज़रूर कीजिए। आपका साथ रहा तो मैं यही कहूँगी कि आप अपना साथ दीजिए, और आपके साथ की इस टाइम मुझे बहुत ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आज कर रहे हैं हम, ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने कहा था कि प्रजा मंडल से जो अभी तक हमने एक एक रियासत, एक एक मंडल से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं। आई होप कि अगर आपने पढ़े होंगे वो क्वेश्चंस और उसके साथ आपने दोबारा से उसको रिवाइज किया होगा, तो आपको कैसा लगा? आपको प्रजा मंडल्स इंटरेस्टिंग लगे या आपको याद हो गया? कोई भी कमी रहती है तो ज़रूर बताना। अब देखते हैं कि पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, व्हेन वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिरमौर रियासत प्रजा मंडल। देखिए, सिरमौर रियासत प्रजा मंडल कब बना था? हमें ये पता है कि सिरमौर रियासत प्रजा मंडल से पहले ऑल स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस बनी थी, जो कि जिसके जो लीडर थे। ये क्यों बनी थी? देखिए, हमें पता है कि जैसे जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस लोगों में जागरूकता आई थी, लोगों को पता चला कि ये छोटी छोटी रियासतें अगर एक संगठन बना दे तो हमारी जो स्टेट है वो पावरफुल हो सकती है, हिल स्टेट्स पावरफुल हो सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे सबसे पहले क्या हुआ था कि आपको पता है कि ऑल स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस को क्रिएट किया गया था। जिसके लीडर कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि अगर ये छोटी छोटी संघ जो है मिलती रहेंगी तो एक बड़ा संगठन बन जाएगा। और हिमाचल से किसने रिप्रेजेंट किया था? तो हिमाचल से रिप्रेजेंट किसने किया था? पदम देव। यहाँ पे मैं आज आंसर्स लिखूंगी, आप प्लीज़ सुन लीजिए कि किसने। आप देखिए, हमें पता है कि ऑल स्टेट्स, ऑल इंडियन स्टेट्स पीपल, हिल स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस बनी। ठीक है, इसमें जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये बनी थी तो इस टाइम पे हिल स्टेट से किसने पार्टिसिपेट किया था? पदम देव और भागमल सोठा ने। ठीक है, पदम देव जो थे वो शिमला से और भागमल सोठा जुब्बल से। बीच में कौन छोड़ के चला गया था? पदम देव जी जो थे वो छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद क्या हुआ था, जब पदम देव जी छोड़ के चले गए तो लेटर ऑन भागमल सोठा ने ही होली सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीपल स्टेट्स, हिल स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस को बढ़ावा चढ़ावा देकर जो है इसको आगे किया था। ये आपकी थी ऑल स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद लुधियाना कॉन्फ्रेंस हुई। लुधियाना कॉन्फ्रेंस 15 से 16 फरवरी के बीच में हुई। तो वहाँ पे जाकर आपका जो है सिरमौर रियासती प्रजा मंडल वॉज द फर्स्ट बॉडी। कौन सी बॉडी है? पहला प्रजा मंडल कहाँ पे बना था? सिरमौर में बना था, जिसके लीडर कौन थे? राजेंद्र दत्त। कहा जाता है, क्या हुआ क्या था? आपको पता है कि अगर हम रिवाइज करें तो प्रजा मंडल के टाइम पे, सिरमौर प्रजा मंडल जब बना था, तो राजेंद्र दत्त जो थे यहाँ के मेन लीडर थे, ये उन्होंने अपना जो सेंटर था वो कहाँ पे बनाया था? पोंटा में। और आपके जो पदम देव जी थे वो कहाँ पे बना रहे थे? शिमला में इनका ऑफिस था। ये हमें पता है। हमें ये भी पता है कि राजेंद्र दत्त के टाइम पे और भी कई लीडर्स जो हैं इसके साथ जुड़े थे, जैसे ठाकुर सेन नेगी, आपके शिवानंद रमोल, ये सारे इसके पार्टिसिपेंट्स बने थे। लेटर ऑन कहा जाता है कि राजेंद्र दत्त, शिवानंद रमोल, और हमें पता है कि शिवानंद रमोल जो था वो उन्होंने सिरमौर एजिटेशन चलाया,
सिरमौर एजिटेशन चलाने के बाद एक सिरमौर प्रजामंडल बना, जिसके मेजर अध्यक्ष कौन थे? देवेंद्र दत्त, चौधरी शेर जंग, आत्माराम वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आपके कौन था? सिरमौर रियासती प्रजामंडल। ये कब बना था? 1934 में। कब बना था आपका? 1934 में। फर्स्ट प्रजामंडल ये था। तो सेकंड प्रजामंडल कौन सा था आपका? मंडी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी पूर्णानंद। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। आप एक बार फिर से पढ़िए, अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। जब हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। हु हेड द प्रेजिडेंसी ऑफ पीपल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट मंडी सिटी फ्रॉम मार्च टू 8 to 10 1946। देखिए, प्रेजिडेंसी ऑफ पीपल कॉन्फ्रेंस, जब मंडी सिटी में आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब आपको पता है कि ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? रीजनल काउंसिल की हुई थी, ठीक है, रीजनल काउंसिल की। तो ये जो पीपल कॉन्फ्रेंस थी, जब आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द सेशन 1945 में कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में हुआ था, जिसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे हिल स्टेट्स के, उन्होंने क्या सोचा कि यहीं पे रहकर एक किसको क्रिएट किया जाए? आपकी हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल को। कब क्रिएट किया था? जनवरी 1945 में क्रिएट हुई थी, ठीक है, जिसको ताकि गवर्नमेंट जो है, जितनी भी प्रजामंडल्स है वो आपकी सही चले। और इसको कहाँ पे क्रिएट किया गया था? मंडी, जिसके मेजर लीडर थे स्वामी पूर्णानंद, ठीक है। पदमदेव मिनिस्टर थे, चीफ सेक्रेटरी जो थे ठाकुर सेन नेगी थे, आपके शिवानंद रमोल जॉइंट सेक्रेटरी थे। ये सारे जो थे आपके इससे बने थे, मंडी सिटी से। तो 8 से 10 मार्च को जो है आपके मंडी में कहाँ हुई थी? मंडी में हुई थी। और इसके जो मेन लीडर थे कौन थे आपके, जिसने ये चीज को लिया था? दैट इज, एक तो थे शिवानंद रमोल और एक कौन थे यहाँ से आपके? स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद, ठीक है, जो मंडी में एजिटेशन हुआ था 8। और इसी में जो है, इसी एजिटेशन में गुरदयाल सिंह भी जो थे वो कहाँ से आए थे? आजाद हिंद फौज के फाइटर थे जो मंडी आए थे इस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद सिरमौर में हुई थी 21 दिसंबर को। तो उसके बाद कुनिहार में जो था रिप्रेजेंटेटिव्स बने। तो ये आपको याद होना चाहिए कि किसकी अध्यक्षता में। विच नेशनल लीडर फ्रॉम प्रजामंडल कमेटी इन पच्छाड़ तहसील ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन 1938 आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम मुल्तान जेल? कौन सा ऐसा 1938 में मुल्तान जेल से रिहा होने के बाद सिरमौर जिले की पच्छाड़ तहसील में प्रजामंडल समिति के राष्ट्रवादी कौन रहे? देखिए, सिरमौर में कई हुए, तो सिरमौर में आपको मैंने बताया राजेंद्र दत्त भी थे आपके, जो थे देवेंद्र दत्त भी थे। उसमें एक और लीडर थे जिन्होंने पच्छाड़ डिस्ट्रिक्ट को फाउंड किया था, दैट इज चौधरी शेर जंग। आपको पता है कि इसी बीच जो है, इसी में किसने, जब सिरमौर के जो राजा थे, जिनको रियासती राजा, जब उनको पता चला कि ये सारी चीजें जो है दंगे हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया था? इनको जेल में डाल दिया था, देवेंद्र दत्त वगैरह को, झूठे केस में। किस केस में? महाराजा के केस में। तो इनको छुड़ाया किसने था? इनको प्रूफ किसने इनोसेंस किया था? डॉक्टर Y.S. परमार ने। जिसकी वजह से कौन इनसे नाराज हो गए थे? राजेंद्र प्रकाश। और इनको निकाला, वहां से निकाल दिया था। और उसके बाद उन्होंने सिरमौरी संगठन बनाया था 1943 से 46 के बीच, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हु ऑर्गेनाइज धामी रियासती प्रजामंडल? धामी रियासती प्रजामंडल जो है ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? देखिए, सबसे पहली चीज, धामी रियासती प्रजामंडल बनने से पहले ये क्या थी? धामी प्रेम प्रचारणी सभा, प्रचारणी सभा, ठीक है। कब बनी थी? जून 1939 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? नारायण दास वॉज द प्रेजिडेंट और आपके सीताराम वॉज द मिनिस्टर, ठीक है। धामी रियासती, ये पहले प्रेम प्रचारणी थी, फिर ये बना धामी रियासती प्रजामंडल। उस टाइम पे जब ये प्रजामंडल बना, कब बना? 13 जुलाई 1939 अंडर द लीडरशिप ऑफ भागमल सोठा, ठीक है। कहाँ पे? कामली जगह थी, कहाँ पे? कुसुमटी में,
कुसुमटी की किस जगह पे? शिमला। ठीक है, वहां पे जब ये मीटिंग हुई तो धामी प्रेम प्रचारणी सभा को किस में चेंज कर दिया गया? धामी प्रजा मंडल। और उस टाइम पे इसके हेड कौन थे? सीताराम। कौन थे आपके? सीता राम। तो राइट आंसर इज, आपको क्या याद करना है? पहली चीज, धामी रियासती प्रजा मंडल से पहले क्या थी? धामी प्रेम प्रचारणी सभा। उसके लीडर कौन थे? नारायण दास। मिनिस्टर इज सीताराम। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम देखा जाए तो धामी रियासती प्रजा मंडल से अलावा धामी जब धामी रियासती प्रजा मंडल बना, वो बना 13 जुलाई 1939 को। उस रियासती प्रजा मंडल में क्या चेंजेस हुई थी? उस रियासती प्रजा मंडल में क्या चेंज कि वहां से जो सीताराम को ऑर्गेनाइज कर दिया गया, मतलब मिनिस्टर बना दिया गया या हेड उसको बनाया गया, और इनकी जो मेन रेजोल्यूशंस थे वो क्या थे? बेगार सिस्टम को खत्म करना, रिड्यूस करना टैक्स सिस्टम्स को, सारी कुरीतियों को खत्म करना, इक्वल अटेंशन टू द पीपल। तो ये सारी चीजें प्रजा मंडल की थी। और ये प्रजा मंडल किसके अध्यक्षता में चला था? भागमल सोठा, जो कि कहाँ से थे? जुब्बल से थे। ठीक है, उनकी लीडरशिप में। और ये कहाँ पे डिसाइड किया गया था? जो कामली जगह है कुसुमटी की, वहां पे डिसाइड किया गया था। तो आई होप कि यहाँ क्लियर है। फिर उसके बाद धामी रियासती प्रजा मंडल से ये धामी जो है काम 16 रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, 6 रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे। किसके पास गए थे? राणा के पास गए थे, ताकि अपनी नीड्स को पूरा कर सके, उनको अपने रियासत के बारे में बता सके। तो उस टाइम पे उनके लीडर कौन गए थे? मनसाराम। ठीक है, जब मनसाराम गए, राणा ने ये चीजें नहीं मानी, तो भागमल सोठा जो थे आपके भगत राम, और एक और लीडर थे, मैं उनके लीडर का नाम बता देती हूँ आपको, भगत राम और आपके जो ये गोविंद सिंह, गोविंद दास, ये दोनों जो थे इनके सपोर्टर्स थे। इन्होंने जो है ये कहा जाता है कि भागमल सोटा जब दिल्ली से शिमला आए, शिमला में उनकी बैठक थी, बैठक में जो है इन्होंने कहाँ पे मिलना था? कुसुमटी जाना था, लेकिन गनाहट्टी में जो है इनको पकड़ लिया गया, जिसकी वजह से जन आंदोलन शुरू हो गया। और जन आंदोलन शुरू होने से धामी फायरिंग भी याद रखना, धामी बुलेट कांड, तो वो कब हुआ? 16 जुलाई को 1939 में। कितने लोग मरे? 2 लोग मरे। और किसको भेजा था? दुन्नी चंद को भेजा था इस केस को डील करने के लिए। तो आई होप कि यहाँ तक लिया। व्हेन डिड द प्रेम प्रचारणी सभा चेंज इनटू रियासती प्रजा मंडल? तो आंसर इज 13 जुलाई 1939। तो ये चीज क्लियर होगी। एंड सीताराम वॉज द अध्यक्ष। और कांड कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को। कहाँ से पकड़ा गया था? आपके घनाहट्टी से। पर ये जो चीज हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? हलोग। हलोग इज द कैपिटल ऑफ धामी। धामी के फाउंडर कौन है? गोविंद पाल। और किसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था? गोवर्धन सिंह ने। ठीक है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ रियासती प्रजा मंडल फाउंडेड इन 1939? जब रियासती प्रजा मंडल 1939 में बना, तो उस टाइम पे इसके लीडर कौन थे? तो आंसर इज पदम देव। देखिए, जब आपका ऑल हिल स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस बना था, तो मेन लीडर पदम देव थे, जो कि शिमला से थे, और आपके भागमल सोठा जो थे वो आपके जुब्बल से थे। लेकिन बाद में इस चीज को किसने कवर अप किया था? इसने किया था, भागमल सोठा ने। तो आंसर आएगा पंडित पदम देव। नेक्स्ट है, अंडर हूज लीडरशिप पीपल पार्टी वॉन द इलेक्शंस इन अक्टूबर 1947? तो ये क्वेश्चन हमने किया है, आई होप कि आपको आना चाहिए। देखिए, किसकी लीडरशिप में जो है आपके अक्टूबर, कहा जाता है जब रिप्रेजेंटेटिव सरकारें बनी, तो उस टाइम पे कुनिहार के राजा तो बहुत प्रसन्न थे, और उन्होंने क्या किया था? सारी प्रजाओं को जो है इसमें सम्मिलित होने वाला, धीरे धीरे सारी रियासतें जो थी इसमें सम्मिलित हो रही थी। तो जब सम्मिलित हो रही थी, तो उसी टाइम पर प्रजामंडल कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो कॉन्फ्रेंस में जो है आपने देखा होगा कि जो दिग्विजय सिंह थे जुब्बल के, उन्होंने जब सिचुएशंस देखी, तो उन्होंने एक मेंबर कमेटी बनाई। उस मेंबर कमेटी में जो थे 5 इलेक्टेड 3 नॉमिनेटेड। जब ये नॉमिनेटेड हुए, उसके बाद जो आपका टूटू था उसने कोहिस्तान बनाया, चिरंजीलाल वर्मा ने जो है वो शांगरी में जाकर इस प्रजामंडल को जो है इंस्ट्रक्ट करते रहे। तो सेम थिंग सत्यदेव बुशहरी जो थे,
उन्होंने शहरी रियासत में जो था क्या करना शुरू कर दिया, इसी प्रजामंडल को प्रोत्साहन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ था, दंगे हुए, लड़ाइयां हुई। तो बाद में क्या हुआ, क्योंकि रियासती प्रजामंडल में दंगे शुरू हो गए, इनको पकड़ लिया गया, और जिसके वजह से ये लास्ट में ये डिसाइड किया गया कि एक कर्मचारी यूनियन बनेगी, एम्प्लॉयमेंट यूनियन। तो अब लोगों का कहना था, रियासती के जो लोग थे वो इससे कि हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे विश्वास नहीं लिया गया है, तो इन्होंने क्या शुरू कर दी, वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में जो है अक्टूबर 1947 में इलेक्शंस हुए, और कौन जीती, पीपल्स पार्टी। कौन जीती थी, पीपल पार्टी, जिसके लीडर कौन बने, सत्यदेव पचौरी। एक चीज याद रखना, जब वाईएस परमार को लेकर आए थे लीला दास वर्मा, तो उस टाइम पे देखिए जब आए थे लीला दास वर्मा के साथ लिबर्टीज पार्टीज में इन्होंने जब अटेंड किया था, तो लीला दास वर्मा जब लेकर आए थे तो उस टाइम पे लीला दास वर्मा ने कहाँ पे, संजौली में जो है एक क्या खोली थी, पीपल्स पार्टी। किसने खोली थी, लीला दास वर्मा ने। और वाईएस परमार कहाँ पे रहते, बिला में रहते, कहाँ पे, संजौली में। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका, विच लीडर वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ सिरमौर इन सस्पिशन बींग नॉट लॉयल। हमें पता है कि जब सिरमौर प्रजामंडल बना था, फर्स्ट मंडल, फर्स्ट प्रजामंडल इज सिरमौर, जो कि 1934 में बना था, देवेंद्र दत्त, आत्माराम चौधरी शेरजंग, पर इसकी अध्यक्षता राजेंद्र दत्त ने की थी। उस टाइम पे कहा जाता है कि जब ये आंदोलन चलने लगे तो इनको किसने प्रोत्साहन दिया था, कि जो यहाँ के रियासत के राजा थे उन्होंने इसको किसके एक मर्डर केस में जो है, राजा महाराजा और पटियाला के केस में जो है जेल कर दिया था, इन सबको डाल दिया गया था। तो इसमें एक लीडर आए वाईएस परमार, जो कि उस टाइम पे क्या थे, सेशन जज थे। कहाँ के थे, आपके सिरमौर के थे। ठीक है, उन्होंने ये चीज प्रूव की कि इन सबको झूठे केस में डाला गया है, इन्होंने गोली नहीं मारी है, जिसकी वजह से जो आपको पता है सिरमौर का लास्ट रूलर कौन था, राजेंद्र प्रकाश, जिसके साथ वाईएस परमार के रिलेशंस खराब हो गए, और वाईएस परमार को देश निकाला दे दिया गया, जिसके बाद उन्होंने 1943 में एक सिरमौरी संगठन बनाया। तो कौन सा लीडर था जो कि एक्सपेल्ड हुआ था, वो थे वाईएस परमार। किसने किया था, राजेंद्र प्रकाश ने किया था। राजेंद्र प्रकाश कौन थे, दैट इज द लास्ट रूलर ऑफ सिरमौर, और 1943 में जो है इन्होंने आपका 43-46 में सिरमौर संगठन बनाया था। तो आंसर इज वाईएस परमार, जो कि हमारे मेन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल है। इन्हीं की वजह से आज हमारा हिमाचल जो है एक स्टेट बना है। व्हाट इज द नेम ऑफ वैद सूरत राम एसोसिएटेड विद सिरमौर मूवमेंट। आपको पता है एक सिरमौर में एक मूवमेंट चली थी, कब चली थी, 1942 में। ठीक है, इस मूवमेंट में किसके टाइम पे चली थी, ये भी राजेंद्र प्रकाश के टाइम पे ही चली थी। तो 1942 में एक मूवमेंट चली थी जिसका नाम था पझोता मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या थी, कहते हैं कि जब मंडी में जो है एक तरफ से वर्ल्ड वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर के साथ एक तरफ से आपका फेमाइन, बंगाल का फेमाइन लग गया, जिसकी वजह से जो है वहाँ के लोगों को शॉर्टेज होने लगी। शॉर्टेज होने की वजह से राजा ने क्या किया, इस रियासत के लोगों को प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी अपना राशन, अपनी सब्सिडीज जो है दूसरे देशों में नहीं भेजेगा विदाउट एनी परमिशन, और कर लगा जाएगा। तो जिसकी वजह से अब लोगों को जो है अपनी खेती बाड़ी या जो भी अपने आप को सरवाइव करना था, तो उन्होंने राणा से दरखास्त की कि उस टाइम पे कि भाई हमारी इन नीड्स को पूरा किया जाए। लेकिन राणा को लोगों ने चापलूसी के चक्कर में इतना फंसा दिया कि राणा जो है, राजा जो है उसकी बातों में आ गया, और उन्होंने क्या, लोगों की बातों में आने से राजा ने क्या किया, इस आंदोलन में जो है लोगों को भड़का दिया, भेज दिया, जिसकी वजह से पंजोता आंदोलन शुरू हुआ। और इस पंजोता आंदोलन के लीडर कौन थे, वैद सूरत राम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आफ्टर द सेकेंड सिख वॉर 1946, वेयर डिड ब्रिटिश एक्सपेल्ड द रिबेल रूरल ऑफ कांगड़ा, जसवा एंड द तारपुर। तो पहली चीज आपको यहाँ से ये पता होनी चाहिए कि
जब सिख वॉर हुई थी, कब? 1946 में, ठीक है? जब सिख वॉर हुई थी तो एक अमृतसर ट्रीटी भी हुई थी 1946 में। किसके बीच हुई थी? सिखों और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। तो जब अमृतसर, ये जब सिख वॉर हुई थी तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने कई रूलर्स को बाहर निकाल दिया था। दत्तारपुर को बनाने वाले थे दत्तारचंद, जसवां को बनाने वाले थे पूरब चंद, कांगड़ा जो है इसका पुराना नाम था त्रिगढ़, पहली ओल्ड रियासत है हमारी और तीन नदियों का संगम है, जालंधर भी बोलते हैं, नगर कोट भी बोलते हैं, भीम कोट भी बोलते हैं, भूमि चंद ने इसको बनाया था। और अगर देखा जाए मुल्तान तक ये फैली हुई थी, तो कांगड़ा के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो, कानगढ़ भी इसका नाम है क्योंकि जालंधर के कान यहाँ गिरे थे। तो वेयर डिड ब्रिटिश एक्सपेल द रिबेल रूलर, इनको कहाँ पे भेज दिया गया था? अल्मोड़ा में, जैसे कि राजा उमेद सिंह को भेजा, आपके रान सिंह को भेजा था, तो कहाँ भेजा था? अल्मोड़ा। हु डिड द ऑपरेशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम शिमला? देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये आपकी जुलाई में जो है इसका आगाज कर दिया गया था और 8 अगस्त 1942 में जो है आपका इसको लॉन्च कर दिया गया। इसके लीडर कौन बनाए गए? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को जब जेल होगी तो शिमला से किसने पार्टिसिपेट किया था? राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, जिसने 1942 में इस आंदोलन को एक्टिवेट रखा। कहाँ से रखा? शिमला से रखा, और एक न्यूज़पेपर भी एक्टिवेट रखा, हरिजन। ठीक है, एक चीज और बता दूं, ये रहती कहाँ थी? मेनॉर विला, ये भी क्वेश्चन आया है। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट फ्रॉम हिमाचल इन लोकसभा इज राजकुमारी अमृत कौर। तो ये याद रखना, राजकुमारी अमृत कौर जो है इन्होंने ये ऑपरेशन किया था क्विट इंडिया मूवमेंट का। और जब ये और जब महात्मा गांधी 1944 में वापस आए तो ये जो है तब तक इन्होंने आंदोलन को सही रखा था। तो आंसर इज राजकुमारी अमृत कौर। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? प्रशासन के लोकतांत्रिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि अगर हमें ये जो प्रशासन, चाहे प्रजा मंडल जोन, चाहे कुछ भी हो, इसका मेन एम क्या हो सकता है? आपको पता है जब लोगों में जागरूकता आई या जितना भी है, तो छोटी छोटी हिल स्टेट्स, हमारी ये छोटी छोटी रियासतें जो हैं एक प्रॉपर रूप में आई हैं एक हिमाचल के नाम पे। कितनी रियासतें आई हैं? 30 रियासतें। हम इनके फाउंडर्स, इनके लास्ट रूलर्स का एक क्लास मैं देखूंगी, लेकर आऊंगी, ताकि आपको एक शॉर्टकट मेथड से याद हो जाए, फिर जब हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट वाज द मेन पर्पस? तो मेन पर्पस क्या था इस एडमिनिस्ट्रेशन का? टू मेन प्रजा मंडल्स, क्योंकि प्रजा मंडल्स के बेसिस पे जब छोटी छोटी प्रजा मंडल्स बने तो उसके बाद इनको क्या कर दिया गया? काउंसिल्स बनाए गए, सब रीजनल काउंसिल्स बनेंगे और एक फिर पूरा प्रांत बन गया। और उसकी बैठक कब बोली थी? 26 जनवरी 1948 में। कहाँ पे हुई थी? सोलन में हुई थी, जिसमें क्या कहा गया था कि एक हिमाचल प्रांत होना चाहिए। इसकी सारी चीजों के कर्ता धर्ता कौन थे? डॉक्टर वाईएस करमार। ठीक है, तो इसका आज के थे ये 12 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और आपको प्रजा मंडल्स क्लियर हो गए हैं। मेरी यही कोशिश है कि आपको प्रजा मंडल्स इजी लगे और आपके क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं। फिर अगर प्रजा मंडल्स क्लियर, आप एक बार फिर से पढ़िए, फिर आपका एक दिन, आपका पूरा सेशन जो है, जो प्रजा मंडल्स का है, उसका मैं एमसीक्यूज लेकर आऊंगी, पर थोड़ा से टाइम के बाद। अभी हमने ये किया, आप इसको डाइजेस्ट कीजिए। डाइजेस्ट मतलब एक तरह से इसको पूरी तरह से ग्रास्प कर लीजिए। जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स आपने किए हैं, प्लीज स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट देखा कीजिए। प्लेलिस्ट रोज अपडेटेड होती है, तो सारा कंटेंट उसमें है। अगर आपने आज नए हो तो आपने ये देखा है तो आप एकदम से इंटरप्रेट कर देते हो, मैम ये नहीं है। तो अगर आज आप नए आए हो तो आपने नया चैनल देखा है, तो प्लीज इस चीज को रिकमेंड कीजिए, फिर प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए। आपको 1 2 3 4 सारे सेशंस विद अपडेटेड सेशंस आपको मिलेंगे। और इतनी कोशिश है मेरी इस चैनल पे आपको सब कुछ मिले। कोशिश पूरी करूंगी कि आपको जो है मतलब आपका कोई भी लैक पॉइंट ना रहे। अपनी तरफ से 1% की मेहनत है, कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ। आप मेहनत करोगे और मैं मेहनत करूंगी तो आपके साथ के साथ मैं बनी रहूंगी। आपको अगर मेरा साथ चाहिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए।
फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता नाम से फेसबुक पेज है, उसको फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल है, आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको फायदा हो रहा है तो प्लीज शेयर इट। पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी एंड लेट्स लर्न विद मी। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट। अब सुबह से सेशंस आप जरूर देखिए, इन सेशंस का आपको प्रीमियर्स मिलेंगे। अगर आपको प्रीमियर्स अच्छे लग रहे हैं रिकमेंड कीजिए चैनल को, बहुत जल्दी हम लाइव आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।